आपको बताते चलते हैं कि बीजेपी संगठन ने हाल में ही दो विधायकों को बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर कि अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा सोनी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र चेहरा यही रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो उन्हें पार्टी में ले रहे हैं, जिसके उत्तराखंड को गाली दिए, देवभूमि को गाली दी। उन्होंने चैंपियन से सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, नहीं तो उत्तराखंड वासियों को आप जैसे नेता की जरूरत नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चैंपियन ने महात्मा गांधी जी के लिए भी कहा था कि पुणे इस सम्मान के साथ नहीं नवाजा जाना चाहिए। बीजेपी अपने पतन की ओर जा रही है। सुनने में आया है कि भाजपा अपने विवादित और निष्कासित विधायक को एक बार पुनः आत्मसात और आलिंगनबद्ध करने जा रही है। यह आश्चर्यजनक खबर नहीं है साथियों, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि उत्तराखंड भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है, और मेरा मानना भी यही है कि भाजपा अपने पतन की ओर कदम रख रही है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पुनः पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी हो। प्रणव सिंह से मैं कहना चाहती हूं, कई चैंपियन आए और कई चैंपियन चले गए, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करने पड़ेंगे और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी, नहीं तो आप यहां से जा सकते हैं। कोई जरूरत उत्तराखंड को आप जैसे लोगों की नहीं है, लेकिन आपको तो शायद दूसरे प्रदेशों में भी जगह ना मिले, क्योंकि हम सबके आराध्य महात्मा गांधी जी के लिए आप यहां तक बोल गए कि उनको राष्ट्रपिता कहलाने का हक नहीं है, इस पदवी से महात्मा गांधी को नहीं नवाजा जाना चाहिए। तो आपकी लबारी का या आपकी बदजुबानी की तो कोई पराकाष्ठा है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर, आपके शब्दों से लेकर, सब कुछ एक सभ्य समाज का लगता ही नहीं, और भाजपा आपको दोबारा लेने का मन बना चुकी है। तो मैं बधाई देना चाहूंगी भाजपा को कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं।